तीनों कुंजियां मेरे पास हैं और चौथी कुंजी लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह तिमनासा, एक तरफ नर्क की आग में डुबकी लगाने का दावा और दूसरी तरफ ज्वाला परी की शक्तियों से गर्म चाबी भी नहीं छुपा रही हो तो। वायु परी ने तो अपना कर्तव्य दिखा दिया, अब मेरा कमाल देखो। बालवीर, अब समझ आया कौन है टट्टू और कौन है गधा। तिमनासा, अगर तुमने चौथी दुर्लभ कुंजी की तरफ कदम भी बढ़ाया तो हम तुम्हें इलुहा के माया जाल में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। मैं इन कीमती चाबियों को खो नहीं सकती जो मुझे महाशक्तिशाली बनाएंगे। पृथ्वी पर राज करने का ये आखिरी मौका मैं नहीं गवा सकती। कौन तिमनासा, आप आगे बढ़िए वरना ये गेट कभी भी बंद हो जाएगा। हाँ तिमनासा, अरे दरवाजा बंद हो गया तो फिर नहीं खुलेगा। जाओ। सोच लो तिमनासा, अनंत शक्तियां तो नहीं मिलेगी तुम्हें लेकिन अनंत काल के लिए उस द्वार के अंदर जरूर कैद हो जाओगी तुम। रे, वादा करो मुझसे कि तुम एक भी दुर्लभ कुंजी बालवीर के हाथ में नहीं जाने दोगे। अगर तुमने इन चाबियों को छूने की कोशिश भी की तो जल के भस्म हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस से फ्रे पे सूट करता है ज्वाला परी। क्या तुम भूल गए कि मैं पानी की दुनिया शिंकाय में पैदा हुआ। ज्वाला परी, ज्वाला परी, अब दिख तो है ना। अलविदा बालवीर। बाय बाय ज्वाला परी। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा बाल परी, क्योंकि मैं वो तीन कुंजियां हासिल नहीं कर पाई। ज्वाला परी, खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमसे जो बन पाया वो तुमने किया, लेकिन मैंने जो किया वो काफी नहीं था। और अगर चौथी कुंजी तिमनासा को मिल गई तो? चौथी कुंजी तिमनासा को नहीं मिल पाएगी क्योंकि बालवीर उस द्वार के अंदर पहुंच चुका है। और जब तक बालवीर अंदर है वो तिमनासा का मकसद पूरा होने नहीं देगा। लेकिन बिना चारों कुंजियों के हम अनंत शक्ति पुंज से शक्तियां नहीं निकाल पाएंगे और ना ही धरती पर ब्रह्म कवच लगा पाएंगे। ब्रह्म कवच लगाने से पहले हम सबको अपने इरादों पे हिम्मत का कवच लगाना होगा। करेक्ट, और पार्टनर की हिम्मत का कवच अनब्रेकेबल है तो इसलिए वो चौथी चाबी जरूर लाएंगे। और रही बात बाकी तीन की, इसकी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रे और भैमार से वो मैं लेकर आऊंगा। अरे गिर पड़े, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अंडा ही घुट रहे हो या सागर मंथन कर रहे हो? सबर करो चेड़ा भाई, सबर करो। पिछले साल याद है ना दादाजी, कैसे ठंडाई पीने के बाद चेड़ा भाई उल्टू आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अब देखना है स्पेशल पाउडर का कमाल। अरे वो तो पुरानी मोंटू,
किधर कौन किधर वो क्या कर रहा है तुझे बोला था ना ये बड़े लोगों का मिल्कशेक है वो मेरा 2000 का नोट घूम गया था क्या 2000 तो वो ढूंढ रहा था मैं देखा आपने 2000 का नोट डोंट वरी मोंटो कानून तुम्हारी 2000 की नोट ढूंढने में मदद करेगा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा लक्ष्मी जी या तो जेब में या तिजोरी में अच्छी लगती है रोड पे नहीं उनका अपमान मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा ए काका हेलो हेलो ढूंढते अरे पहले इसे खत्म तो करने दो अरे काका ये काम तो होते रहेगा पहले ये काम खत्म करते हैं ना हैं ये लालची छेड़ा थाम रहे मैं भी आता हूँ ये स्पेशल पाउडर वाला था नहीं उन विद्यों को पिलाऊंगा और उनका सारा पासा पलट दूंगा चाबियां हार चुके हो चौथी चाबी लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो बालवीर अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तिमनासा के गुस्से का लावा ज्वालामुखी के लावे से कितना तेज है विवान तुम्हें कुछ मिला नहीं मैंने शिंकाई का पूरा नॉर्थ और साउथ चेक कर लिया लेकिन मुझे रे और भैमार कहीं पर नहीं दिखाई दी मैंने भी पूर्व और पश्चिम दिशा में उन दोनों को ढूंढ लिया है लेकिन वो दोनों वहां भी नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि रे और भैमार काललोक में ही छुपे हो नहीं वो लोग उन चाबियों को काललोक में छुपाने का रिस्क नहीं लेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में हम उन दोनों को कहां कहां ढूंढेंगे और हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है विवान वो तीनों दुर्लभ पूंजियां किस स्थान में छुपी हुई है उसकी सटीक जानकारी के लिए शौर्य ने हमें ये यंत्र बना के भेजा है गुड न्यूज फाइनली अब हम रे और भैमार को जल्द ही ढूंढ लेंगे ना बालवीर ना विवान और ना ही उनके प्रिंसिपल शौर्य को ये आइडिया भी होगा कि हम भारत नगर में छुपे हैं लेकिन याद रखिए भैराजा हम सोते शेर के खुले मुंह के अंदर छुपने आए कहीं उसने मुंह बंद किया ना तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा रिलैक्स तब आता था देखो अब यहाँ पर सब लोग होली के मूड में किसी का भी ध्यान हम पर नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ऐसे बाहर खुले में क्यों घूमना है आप लोग एक काम करते इस कटरे के अंदर छुप जाते अरे जिसका डर था वही हो गया पकड़ लिया मुझे भारत नगर वालों ने और ये रे और भैराजा भाग गए मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है मैं तो ये नगर पालिका की तरफ से गटर की साफ सफाई करने आया हूँ और ये हमारी नगर पालिका का नया पोशाक है कैसा लगा आपको मूर्ख गटर में चूहे छुपते हैं और हम चूहे नहीं काललोक के सैनिक हैं राजा मैंने आपको पहचाना ही नहीं अरे वाह अरे लेकिन ये खुशी आप क्या कर रही है आपके साथ तू क्या कर रही है ओह कम ऑन तौबा तौबा तुम्हें 1+1 करना भी नहीं आता मैं तो मजाक कर रहा था रे मैंने आप दोनों को पहचान लिया था
अरे आप दोनों की आंखों में मैंने जो कमीनापन देखा उससे पहचान लिया मैंने। आप जल्दी से मेरा भी रूप बदल दीजिए ना। अरे बनाना ही था तो मुंटू बना देते, कम से कम लोगों की फिरकी लेने में तो मजा आता। गधे को शेर का बॉडी सूट देने से वो शेर नहीं बन जाएगा। क्या अब सीधे खड़े हो जाओ और चुपचाप रिंगो की तरह बिहेव करो, नहीं तो लोग हमें एक सेकंड में पहचान जाएंगे। आप चले, अरे चलो चलो चलो। विवान, ये खोजी यंत्र की सुई तो पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही है, इसका मतलब वो तीनों दुर्लभ कुंजियां पश्चिम दिशा में हैं। पश्चिम दिशा में तो भारत नगर भी पड़ता है। ऑफ कोर्स, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। बंदर की पूंछ। मतलब ये कि उन तीनों चाबियों को छुपाने के लिए भारत नगर से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज होली के रंग में वो काल लुक के रंगे सियार आराम से घुल मिल जाएंगे। तो फिर चलो उन रंगे सियारों की खाल उतारने। अब ये क्या है मोंटू भैया? ये हमारी दोस्ती का समझौता है। हाँ समझौता। देखो होली के फेस्टिवल का माहौल है, होली के माहौल में हम आपस में लड़ते रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए ये समझौते वाला मिल्कशेक, ये स्पेशल मिल्कशेक पीकर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हाँ तुम सब सडनली इतने सिविलाइज्ड कैसे हो गए? ठीक है सुतली, अगर तुम्हें हमारी अच्छाई पे भरोसा नहीं है तो हम एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारी टीम ने ये मिल्शिक पहले फिनिश कर लिया तो जापान से मंगवाया हेलीकॉप्टर गेम तुम्हें दे देंगे। रियली रियली, और इसका 100 फीट का ट्रांसमिशन है विद HD कैमरा। कैमरा? लेकिन चिंटू, अगर हमारी टीम हार गई तो हमें बदले में क्या देना होगा? हाँ? कुछ नहीं, तुम्हें हमसे खाली हैंडशेक करना होगा और ये मिल्कशेक पीना होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। इन पिद्दियों के ग्लास में पाउडर मिला है और हमारे ग्लास में खाली शुगर है। तो तुम लोग मिल्कशेक पीने के लिए तैयार हो? यस रेडी। दोस्ती, और वो भी मोंटू, चिंटू और चिंटी की गैंग से। पक्का ये लोग कोई फिरकी ले रहे हैं। तुम्हें काउंट शुरू करता हूँ। 1, 2, 2.5। एक सेकंड, टाइम आउट। पल्टन और गैंग के बीच में दोस्ती हो रही है, इतना बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, काउंटिंग तो मैं ही करूंगी। ओके तुम लोग ग्लासेस लो। तुम लोग भी ग्लासेस लो ना। पर ये हम कैसे पी सकते हैं, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है तुम लोग ग्लासेस नहीं उठाना चाहते तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर देती हूँ। लो पियो। लो ना पियो। नहीं पीना। क्यों नहीं पीना मोंटू भैया? क्योंकि इस पे मोंटू भैया ने पाउडर मिलाया है। क्या? कौन सा पाउडर? जिससे सब लोगों के दिमाग फिर जाते और वो गोल 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 घूमने लगते। अब चल। अरे करुणा जी फिनिश, ये लीजिए पीजिए पीजिए दीवानी। ओह नो, इन सबको मुझे कोई ना कोई एंटीडोट देना पड़ेगा, नहीं तो होली पर अनहोली केओस मच जाएगा। चलो चल सी। रुको मूर्ख। अरे राजा, होली के मौके पे ठंडाई नहीं पी तो धरती पर आने का क्या फायदा? कंट्रोल। तौबा तौबा, जब तक कोई तिमनासा को चौथी की नहीं मिल जाती तब तक हमें थोड़ा लो की रहना होगा।
मैं आप दोनों की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। इतनी आसानी से चौथी चाबी तुम्हें नहीं लेने दूंगा तिमनासा। अरे तुम तो बुरा मांगी तिमनासा, तुम करो तो बार और मैं करूं तो बुरा व्यवहार। मुझसे ज्यादा बुरा व्यवहार तो तुम कभी कर ही नहीं सकते बालवीर। अब बताओ कैसे पहुंचोगे चौथी कुंजी तक? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लावा को सिर्फ लावा ही झेल सकता है बालवीर, इतना भी नहीं सीखा तुमने? से दुर्लभ कुंजी चुराने का प्रयास किया है। मैं इस शक्ति पुंज का रक्षक हूं और मैं ये कुंजी किसी भी स्थिति में ले जाने नहीं दूंगा। वो तीनों चाबियां 50 मीटर के रेडियस में हैं। ठीक है विवान, हम इस तरफ जाते हैं, तुम उधर ढूंढो। ओके। होली है, होली होली ये पिचकारी। मूर्ख, अरे राजा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर गिरपड़े की आंखें आंखें नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। जो तुम लोगों ने कचरे की पेटी में डाला ना, वो इस आंखों में रिकॉर्ड हो गई है। क्या गिरपड़े को हमारा सच पता चल गया? हे शक्ति पूज के रक्षक, मैं अच्छाई और सच्चाई का रक्षक बालवीर, और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे चौथी दुर्लभ पूंजी यहां से ले जाने दें, और आप अपना गुस्सा बुराई की रानी तिमनासा पर निकालें।
अच्छाई या बुराई से मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरा धर्म है किसी को भी शक्ति पुंज से चाबी ना ले जाने देना। मेरी दृष्टि में तुम दोनों चोर हो और चोरी की सजा मृत्यु है।